अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों मैंने बाय किया है दोस्तों एक और ट्राउज़र। दोस्तों ये ट्राउज़र है थॉमस स्कॉट, दोस्तों ब्रांड आप देख रहे होंगे। सस्ता था, बहुत महंगा दोस्तों ये नहीं था दोस्तों। तो आप देखते हैं कैसा है, क्योंकि इसका जो स्टाइल था काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था, इस टाइप का ट्राउज़र पसंद है। तो अमेज़ॉन से मैंने बाय किया, आपको दिख रहा होगा, दिखाता हूँ आपको, बताऊँगा आपको बाय करना या नहीं बाय करना। दोस्तों जल्दी से इसे खोल लेते हैं। अगर आपको बाय करना हो अच्छा लगे तो नीचे दोस्तों इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ जाके बाय इसको दोस्तों कर सकते हैं। काफ़ी ये सही लग रहा था यार मुझे, कलर भी इसका काफ़ी सही था दोस्तों, और इसका डिज़ाइन जो था वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया था। ये है आपका दोस्तों, ये इसका ट्राउज़र दोस्तों, आप निकल के आ गया हो। थॉमस स्कॉट दोस्तों आप देख रहे हैं, थॉमस स्कॉट दोस्तों यहाँ पर जो है ब्रांडिंग यहाँ दी हुई है, और इनकी वेबसाइट भी thomasscott.in, ये भी यहाँ पर आपको दोस्तों दिख रहा होगा। कलर दोस्तों इसका देख लें, थोड़ा क्रीम है ये दोस्तों, ये कलर है इसका। मैं इसको निकालता हूँ बाहर यार, अभी तो ऊपर से तो काफ़ी सही लग रहा है। तो अंदर दोस्तों देखते हैं कैसा है, क्योंकि प्राइस इसका लगभग 850 रुपये में है, 850 रुपये में काफ़ी है दोस्तों, मुझे काफ़ी सही ये लग रहा था, इसलिए दोस्तों मैंने इसको बाय किया। तो ये निकल के दोस्तों बाहर आ चुका है। दोस्तों पहले बताऊँ आपको इसका जो फील है दोस्तों, पहला इम्प्रेशन तो काफ़ी इसका बढ़िया, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना वो लिनन टाइप का दोस्तों फैब्रिक है, और फैब्रिक बहुत हल्का नहीं है, जैसे आप समझते हैं जो आपके लेने वाले आते हैं काफ़ी हल्के होते हैं। तो ये आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपको पता ही है कि अगर ये टूट जाएगा तो वापस नहीं हो पाएगा, इस बात का खास ख्याल रखें दोस्तों। ये थॉमस स्कॉट, सो ये इसका प्राइस देख लें आप, 3997, वो हम सब जानते हैं कि कितना हाई प्राइस डाला जाता है दोस्तों। इसका जो आपका ईयर ऑफ मैनुफैक्चर है दोस्तों वो है August 2024, तो ये 2 महीने पहले का बना हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड दोस्तों। ये इंडियन कंपनी है, इनका बॉम्बे में दोस्तों ऑफिस है। और दोस्तों मुझे तो यार ये काफ़ी फैब्रिक वाइज दोस्तों इसमें जो है ना, टोटल तो आपका ये कॉटन है, लेकिन ये आपका लिनन टाइप का दोस्तों जो फैब्रिक है वो है। मैं आपको थोड़ा फैब्रिक दोस्तों दिखाता हूँ, चेक करते हैं तो फैब्रिक। सो फैब्रिक दोस्तों इसका यार काफ़ी बढ़िया फैब्रिक है भाई इसका, मतलब ये आपको इस टाइप की पैंट 850 में दे रहे हैं। अगर आपको ये यही पैंट और किसी दोस्तों और जो ब्रांड में अगर ये आ जाइए, तो ये पैंट आराम से 2000 या मतलब आपको 1500 से कम में मिलना मुश्किल है, क्योंकि फैब्रिक काफ़ी इसका दोस्तों बढ़िया है। दोस्तों इसका आप पैटर्न देख रहे होंगे, इसके अंदर एक पैटर्न है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि आपको नॉर्मली और सबका हर ब्रांड का अपना अपना अलग होता है, लेकिन इसका पैटर्न काफ़ी दोस्तों ये अच्छा लग रहा है। तो स्टाइल देख रहे हैं ये दोस्तों, ये पॉकेट्स हैं इसकी, तो बैक साइड दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं दोस्तों, ये बैक साइड दोस्तों इसका ये है। कलर दोस्तों इसका क्रीम है या वाइट कह लें दोस्तों, कलर यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा है वाइट दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है तो वाइट दोस्तों ये कलर, लेकिन वाइट ऐसा वाइट नहीं है जो स्कूल वाला वाइट होता है, जो क्रीमिश वाइट होता है दोस्तों वाला, ये दोस्तों यहाँ ब्रांडिंग है। सो ये इसका बैक साइड दोस्तों, पॉकेट्स बहुत डीप नहीं है, बहुत शैलो नहीं है, ठीक है, आपका वॉलेट आराम से आ जाएगा, आपका रुमाल आराम से आ जाएगा दोस्तों। और इसका साइज़ दोस्तों, साइज़ जो है वो 30 है दोस्तों, ये है इसका इसका मतलब फ्रंट साइज़। तो फ्रंट साइज़ में आपको दिख रहा होगा ये दो प्लीट यहाँ पर हैं, जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है इसको। थोड़ा ये पता है ना, थोड़ा सा जो आजकल मतलब अच्छा सा जो थोड़ा सा लूज़ होता है, थोड़ा सा प्लीट्स उस टाइप का दोस्तों ये ट्राउज़र था, मुझे काफ़ी पसंद है इस टाइप का, इसलिए दोस्तों इसे मैंने बाय किया। और इसका जो मेन था ना वो इसका प्राइस था, और अपने उस प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। अगर यही दोस्तों आपको H&M में इसी टाइप का दोस्तों स्टफ आपको मैं समझता हूँ 1800-1900 से कम में मिलने का कोई सवाल नहीं था, लेकिन उसी टाइप का स्टफ़ ये आपको लगभग 850 रुपये में प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप इसको मतलब फ्लिपकार्ट पे आएंगे तो वहाँ लगभग इसका प्राइस जो है वो 1000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई इसमें इशू नहीं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आपका स्लिम फिट नहीं है, तो ये आपके आपका रेगुलर टाइप का ही मतलब ये आपका इसका फिट होगा। मैं अभी आपको इसको पहन के भी दिखाऊंगा कि तो इसका फिट कैसा, लेकिन ये बहुत टाइट वाला फिट नहीं है, जो आप समझ रहे हैं बहुत टाइट एकदम स्किनी होता है उस टाइप के नहीं, तो ये थोड़ा आपका रेगुलर इसको मान लें आपका रेगुलर फिट है। तो अगर आपको रेगुलर फिट दोस्तों पहनना पसंद है तो आप दोस्तों इसको बाय कर सकते हैं। इसका जो फैब्रिक दोस्तों काफ़ी इसका बढ़िया है यार, मतलब ये इसके लिनन वाला फील दे रहा है, और लिनन इसके अंदर हैवी, और जो बहुत हल्की वाली आती है ना वो नहीं है, थोड़ी हैवी दोस्तों इसकी लेने, जो काफ़ी बढ़िया बात। तो ये दोस्तों सारे बात स्टाइलिंग की। यहाँ दोस्तों इसको मैं 5 में से 5 नंबर देने वाला हूँ। इसमें और भी कलर हैं, मैं दोस्तों इसका आपको लिंक दे दूंगा, इसके अंदर आपको ग्रे मिल जाएगा। ग्रे में दिक्कत ये होती है कि वॉश करते हैं तो वो उसका कलर जो है जल्दी निकल जाता है, लेकिन इसके अंदर और भी कलर है, आप उनको भी आकर चेक कर सकते हैं। इसमें ब्लू भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कलर का, उसमें कलर फेडिंग का चक्कर दोस्तों बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ दोस्तों कोई इशू नहीं है इसके अंदर, आप इसको ज़रूर आराम से बाय कर सकते हैं दोस्तों। ये मैंने सारा आपको दिखा दिया सब कुछ दोस्तों का, अब मैं दिखाऊंगा आपको उसका फिट दोस्तों पहनने के बाद। यहाँ तक दोस्तों एकदम एब्सोल्युटली फाइन, नो इशू, आप इसको बाय कर सकते हैं दोस्तों। अब फिट देखते हैं कैसा है इसका। दोस्तों मैंने पहन लिया है दोस्तों ये ट्राउज़र, आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा दोस्तों इसका फिट। पहले बता दूँ मेरी वेस्ट 30 पहनता हूँ, 30 वेस्ट बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल कोई भी पैंट हिल नहीं रही है, बिल्कुल सही है, ना बहुत टाइट है ना बहुत लूज़ है, जैसे होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही है, कोई दोस्तों इशू यहाँ पर मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो फिट दोस्तों आप देख लें आगे से, अगर आप इस टाइप का फिट पहनते हैं, मुझे इस टाइप का फिट पसंद है,
तो ना बहुत ही लूज है ना बहुत टाइट है दोस्तों, बहुत ही कंफर्टेबल है फैब्रिक दोस्तों, बहुत कंफर्टेबल है यार ये। मतलब आपको 850 में इस टाइप की पैंट या लगभग 900 रुपये में इस टाइप की पैंट दोस्तों मिलना बहुत मुश्किल है। मैं पहन रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें, जो काफ़ी ज़्यादा आपका लिनन वाला साइड है तो लिनन हम जब जानते हैं कि बहुत कंफर्टेबल होता है दोस्तों, बहुत कंफर्टेबल है और आराम से आप पैर आराम से मोड़ पा रहे हैं, थोड़ा लाइक्रा भी इसके अंदर तो आपका आराम से पैर को अपने स्ट्रेच भी कर सकते हैं। और अगेन बता दूँ आपको, इसका जो लिनन वाला फैब्रिक एक तो बहुत हल्का आता है, ये हल्का नहीं है, ये जैसे पैंटों में देखा होगा आपने वो भी हल्का ही होता है, लेकिन ये अच्छा खासा दोस्तों मोटा फैब्रिक है। अगेन मुझे मैं बता दूँ आपको, आपको इस टाइप का ये फैब्रिक आपको किसी और बड़े ब्रांड में इतने दाम में किसी हाल में आपको नहीं मिलने वाली जिस दाम में ये आपको यहाँ मिल रही है। सो ये दोस्तों अब आप इसका साइड दोस्तों ये देख लें दोस्तों, ये इसका आप मतलब इसका साइड का लुक है। अगेन मेरी वेस्ट दोस्तों 30 है और मेरा वेट अराउंड 56-57 होगा, तो बिल्कुल दोस्तों मेरी ये फिट आई है। साइड दोस्तों देख लें, बैक साइड दोस्तों आपको दिखाता हूँ क्लोजली, तो आपको दोस्तों बैक साइड कुछ आपकी ऐसे लगने वाली है। बैक साइड दोस्तों काफ़ी सही है, बिल्कुल अगर आपको थोड़ा सा लूज ट्राउज़र पहनना पसंद है तो ये बिल्कुल आपके लिए हैं। सो कोई मुझे तो इसमें कोई भी किसी भी तरह से इशू यहाँ पर नहीं लग रहा है। और ये वाइट डोसा लिखा हुआ लेकिन थोड़ा सा ये जो है ना क्रीमिश वाइट जो होता है उस टाइप के दोस्तों, वही वाइट डोसा पहने जाता है जो वाइट वैसे नॉर्मल वाइट होता है, वो तो स्कूल में पैंट पहनी जाती है यार आमतौर पर, लोग पहन सकते हैं जिसको अच्छा लगे, लेकिन नॉर्मली वो स्कूल वाली पैंट्स होती हैं। तो ये था आपके लिए थॉमस स्कॉट का दोस्तों, ये आपका लिनन ट्राउज़र का रिव्यू दोस्तों, बहुत ही जिस दाम में ये मिला है बहुत दोस्तों बहुत कंफर्टेबल है। मैं देखिए मुझे मतलब अच्छा लग रहा है पहनने के बाद, पैर मेरा आराम से मुड़ रहा है, बड़ा एकदम जो कपड़ा है ना बड़ा मुलायम है। तो आप इसको यार बाय कर लो, आप बिल्कुल भी आपको बुरा नहीं आपको नहीं लगने वाला, आप बिल्कुल मेरी बात से आप इत्तेफाक करेंगे, आप इसको बाय कर लेंगे तो आपको लगेगा हाँ आपने सही बाय किया हुआ है। मैं जो यहाँ पर मैं बात करता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक होती, जैसा होता है वैसे ही बात करता हूँ। ये दोस्तों बिल्कुल आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक करने वाले हो, लिंक मिल जाएगा आपको दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।